जूनागढ़ और गिरनारी की ओर से प्रदीप मेहता का जय गुरुदत्त आ गए वापस चमकाने आपकी किस्मत। 4 फरवरी से बुध ने लिया यूटर्न, वृश्चिक राशि वालों के दिन बदलने वाले हैं। बुध ग्रह 4 फरवरी 2022 से मकर राशि में मार्गी चाल से पुनः परिभ्रमण शुरू करने वाले हैं, जिसका प्रभाव आपकी वृश्चिक राशि पर विशेष होने वाला है। मैंने जनवरी में कहा था कि फरवरी के अंत तक कोरोना कम हो जाएगा और यह भविष्यवाणी 100% सही होती जा रही है। आप चाहे तो आई बटन पर क्लिक करके देख भी सकते हैं। बहुत परिवर्तन के कारण देश दुनिया में बहुत बड़े बदलाव होंगे तो देशों के बीच में महाभयंकर युद्ध की स्थिति बन सकती है। शेयर मार्केट बढ़ने की संभावना है, बाजार में खरीदारी बढ़ सकती है। मनोरंजन का क्षेत्र तेजी से वृद्धि करता दिखाई देगा तो वैश्विक स्तर पर कुछ पुरानी संधियां और दस्तावेज पर फिर से विचार होंगे। भारत में व्यापारिक नीतियों में बदलाव की संभावनाएं बनेंगी। इन सब के बीच में सबसे बड़ा लाभ 12 राशि में से वृश्चिक राशि को मिलने जा रहा है। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बुध ग्रह सौर मंडल में सबसे छोटा ग्रह है, किंतु वह बुद्धि कारोबार में सफलता के लिए महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि बुध हमारी प्रज्ञा के देवता है। धर्म और ज्योतिष के आधार पर बुध ग्रह आपके जीवन को संपूर्ण बदल सकता है तो वह इस समय आपकी कुंडली में लाभ भाव और आकस्मिक धन भाव के लुढ़ होकर शनि सूर्य के साथ आपके पराक्रम भाव में विराजमान है, जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। तो जानते हैं बुध का प्रभाव कैसा रह सकता है। बुध का गोचर वृश्चिक राशि वालों के लिए तृतीय भाव में होने जा रहा है। तृतीय भाव यानी कि साहस का भाव, पराक्रम का भाव, भाई बहनों से मिलने वाले लाभ का भाव के रूप में जाना जाता है, जिसके कारण इससे संबंधित लाभ लाभ की स्थितियां आपके जीवन में मिलनी शुरू हो जाएगी। इस गोचर काल में भाई बहनों के साथ आपके रिश्ते बेहतर होंगे, कार्यों में अपनों का सहयोग मिलेगा तो उनकी ओर से मिलने वाली संपत्ति या फिर मिलने वाले लाभ में बढ़ोतरी हो सकती है। यदि आपका स्नेही विदेश में है तो उनकी ओर से भी आपको आमंत्रण भेजा जा सकता है। आर्थिक रूप से यह समय आपके लिए अनुकूल रहेगा, क्योंकि आर्थिक लाभ के संकेत नजर आ रहे हैं। व्यवसाय में उन्नति के साथ विशेष रूप से इस वक्त आपका प्रमोशन अथवा तो कंपनी की ओर से प्रोत्साहन भी आपको प्राप्त हो सकता है। 6 मार्च से पहले जीवन साथी का सहयोग आपको बराबर मिलता रहेगा। यदि संतान के नाम संपत्ति करना चाह रहे तो इसको अभी एक तरफ कर सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र में बुध ग्रह व्यापार और व्यवसाय का कारक माना जाता है, जिसके कारण तृतीय भाव में बुध की स्थिति नए व्यापार करने वाले व्यक्तियों को लाभ प्रदान करेगी। अब व्यापार को एक नई दिशा दे सकेंगे, स्थिरता के साथ अपने व्यापार को मजबूती प्रदान करने में सक्षम होंगे। यह समय में हम यकीन से कह सकते हैं पैसा, प्यार और स्वास्थ्य तीनों ही आपको भरपूर प्राप्त होंगे। सरकारी कामकाज या शासन प्रशासन से जुड़े मुद्दे को हल कर सकेंगे तो कुछ कार्यों में अड़ंगे लगने की आशंका है, इसलिए आप अपने लिए ज्यादा परेशानी पैदा न करें। जो बिजनेस में पार्टनरशिप से कार्य कर रहे हैं उन्हें इस वक्त लाभ मिल सकता है, तो आपकी योजनाएं कंपनियों को लाभान्वित करेगी। विशेष रूप से जो प्राइवेट पदों पर विराजमान होकर कार्यशील है, मध्यम संस्था में कार्यरत है, उनके लिए यह गोचर बड़ा लाभदायक रह सकता है। संस्था में उच्च पद मिल सकता है तो इस अवधि के दौरान अब मल्टीटास्कर की भूमिका में नजर आ सकते हैं। यहाँ तक जो खुद का कार्य कर रहे हैं वह लोग नए अनुबंध, साझेदारी, भागीदारी और महत्वपूर्ण सौदे भी करेंगे, जो उनके लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। 11 फरवरी के बाद अपने उपक्रम में उन्नति की डग बढ़ने के दौरान आपको अपने प्रतिस्पर्धी की ओर से काफी ज्यादा ईर्ष्या व शत्रुता तथा विवादास्पद स्थिति का सामना करना पड़ेगा, किंतु निश्चित रहिए यह समय में आप अपने साहस, बुद्धि, आक्रामकता के दम पर विजय प्राप्त अवश्य करेंगे। खास करके लग्नेश जब धन भाव में और शनि आपके पराक्रम भाव में बैठे होते हैं तो विदेश यात्रा का योग बनता है। इस वक्त धन प्राप्ति के लिए या फिर शिक्षा प्राप्ति के लिए विदेश जाने का अवसर प्राप्त होगा। सैनिक के रूप में सामरिक यात्रा, राजनेता के रूप में कूटनीतिक यात्रा, उपदेशक के रूप में भी धार्मिक यात्रा का प्रबल योग बन रहा है, तो वही इस वक्त अपने घर से दूर बैठे जातकों के लिए लंबे समय तक विदेश में निवेश का योग बन रहा है। बुध ग्रह कुछ गुप्त किस्मों के मामले व गतिविधियों एवं कुछ भेद भरे व गुप्त सौदे में आपकी संलग्नता करवा सकता है। दोस्तों, हर व्यक्ति की कुंडली में शुभ योग या दुर्योग विद्यमान रहते हैं। ज्योतिष के कई महायोग है जो व्यक्ति को जीवन की बुलंदियों पर पहुंचा देते हैं, तो कई दुर्योग भी है जो व्यक्ति की भरपूर मेहनत को सफल नहीं होने देते।
इसलिए कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवाएं। यदि आप किसी सार्वजनिक क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं तो आप बड़े लाभ के लिए तैयार हो जाइए। सोशल मीडिया एवं चमक दमक एवं चकाचौंध के जीवन बिता रहे हैं वह भी बड़े लाभ के लिए तैयार हो जाइए। शेयर बाजार एवं निवेश से संबंधित लाभालाभ की स्थिति बन सकती है। फोटोग्राफी, इमारत बनाने का काम करने वाले, बीमा एजेंट, विदेश सेवा, औषधि आयात निर्यात, परिवहन, कथा कविता लेखन एवं बिजली का कार्य से जुड़े हुए हैं वह व्यक्ति इस समय बड़े लाभ की स्थिति में रहेंगे। धन उपार्जन का प्रबल योग बन रहा है। व्यापार की मंद गति से बौखला गए हैं तो यकीनन स्थिति दूर होगी। रुके हुए और फंसे हुए पैसे पूर्ण रूप से तो नहीं आएंगे किंतु किंचित मात्रा में अवश्य प्राप्त होंगे। वह इस वक्त आपकी दिल बहलाव एवं सुख की प्राप्ति की इच्छा पूर्ण हो सकती है। नए प्रणय संबंध पनप सकते हैं तो रिलेशन से जुड़े जातक भी बड़े निर्णय की ओर आगे बढ़ेंगे। स्त्री पक्ष से भी लाभ मिलने के प्रबल योग बन रहे हैं। ऑपरेशन, बीमारी, अस्पताल में भर्ती होने और दुर्घटना होने की आशंका है। आप लापरवाही ना बरते बल्कि सकारात्मक रूप से अपनाए और बड़े निर्णय से पहले ज्योतिषीय सलाह वसूलिए। दत्त महाराज आपकी मनोकामना पूर्ण करे। जय गुरुदत्त, जय।